हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले का चटपटा खट्टा मीठा अचार। इसे हम थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाएंगे। ठंडी के सीज़न में बहुत सारे आंवले आते हैं, हम इसका अचार बनाकर महीनों तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आंवले का चटपटा अचार। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आंवले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। इन्हें हमें अच्छे से पोंछ लेना है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, इस ग्रेटर की मदद से हम इसे कद्दूकस करेंगे। हम इसके बड़े वाले साइड से इसे कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक आंवला उठाएँगे और इसे ऐसे कद्दूकस करेंगे। हम इसे चारों साइड से गोल गोल घुमाते हुए कद्दूकस कर लेंगे और बीच का जो बिया है उसे निकाल कर फेंक देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए सारे आंवलों को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बड़े साइज़ में कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आंवलों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका अचार बनाते हैं। ये देखिए, गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ। याद रखिए, गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 2-3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास सूखी धनिया और सूखी लाल मिर्च को मैंने रोस्ट करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी मैं 1 चम्मच इसमें मिला लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग। अब मैं इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ आंवला। ये देखिए, इसे डालकर अब हम अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढक्कन रखकर 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे कि हमारा आंवला जो है वो अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम इसे भी इसी में मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने गुड़ को अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं ये अब पानी छोड़ने लगा है। अब हम फिर से इसे ढक्कन रखकर 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा जो आंवला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम 5 मिनट बाद इसे ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो आंवला है वो अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। गैस की फ्लेम हाई रखने से
हमारी जो गुड़ की चाशनी है वो कड़क हो जाएगी और हमारा जो अचार है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसीलिए गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो पर ही रखेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं गुड़ का जो पानी है काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब आखिरी में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर, इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें सिर्फ एक तार की चाशनी ही लेनी है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी जो गुड़ की चाशनी है वो टाइट हो जाएगी। इसलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया अचार बना है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये खट्टा मीठा और स्पाइसी हमारा अचार रेडी है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसे आप आंवले के सीज़न में बनाकर महीनों तक इसका मज़ा ले सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।